हाय व्यूअर्स, आज हम चलेंगे सेप्टा की सैर करने। अब आप पूछेंगे ये सेप्टा क्या है। व्यूअर्स, सेप्टा है साउथ ईस्टर्न पेंसिल्वेनिया ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी या एसोसिएशन, कुछ भी कह लें। इसमें ज़्यादा दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है, सो जितना बताया जा रहा है इतना ले लें, दैट इज़ गुड सफिशेंट फॉर यू। वेल व्यूअर्स, ये है सेप्टा ट्रेन का आउटर लुक। अभी कुछ ही देर में मैं आपको दिखाऊंगा सेप्टा का इंटीरियर, मतलब ट्रेन का अंदर का व्यू। व्यूअर्स, इसको देखें, ये ऐसे लेटी हुई है जैसे बर्थ पे लेटी हुई हो। इनफैक्ट व्यूअर्स, ये ट्रेन का इंजन है, सेप्टा का इंजन है, सेप्टा ट्रेन का, जिसके ऊपर इस अमरीकी दोशीजा की तस्वीर लगी हुई है। चिस्पा। इत्तेफाक से ये उस दिन मेरे साथ ही सफ़र कर रही थी। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कहने लगी, लो, तुम मुझे नहीं जानते, मुझे तो बच्चे जानता है। मैंने कहा, अब तुम लॉलीपॉप के इश्तिहार में आओगी तो बच्चे ही तुम्हें जानेंगे ना, मैं तो अब खुद बच्चों वाला हो गया हूँ। मैंने पुरएतमाद लहजे में शाहरुख खान स्टाइल में आवाज़ को कदरे मोटी करते हुए कहा, सीधी तरह नाम बताती हूँ या मैं खुद तुम्हारे पर्स में से तुम्हारी आईडी में से तुम्हारा नाम चेक कर लूं? कहने लगी, नहीं अजहर, मैं इतनी भी स्टबर्न नहीं हूं। फिर खुद से कहने लगी, मैं ब्रिटनी स्पेयर की। मैंने बीच में बात काटते हुए कहा, क्या वाकई तुम ब्रिटनी स्पेयर की बहन हो? आई एम ए ह्यूज फैन ऑफ ब्रिटनी। वो मेरे साथ ही बैठी थी, मगर मैं इमोशनल होते हुए अब अपना मुंह उसकी तरफ मोड़कर आलती पालती मारकर बैठ गया, मतलब मैं काफ़ी इमोशनल हो चुका था, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। और उससे फ्रैंक होते हुए मैंने कहा, कुछ और बताओ ना मेरी ब्रिटनी के बारे में, मेरी ब्रिटनी रियल में दिखने में कैसी लगती है? मेरी ब्रिटनी, यस। जब किसी को कहा तो उसको अपनाना भी चाहिए ना, और सबके सामने सर हम तस्लीम कर लेना चाहिए, यस मेरी ब्रिटनी। कहने लगी, मैंने तो खुद कभी उसको रियल में नहीं देखा, वो मेरी खाला है ना, खाला। मैंने कहा, अब वो सिर्फ तुम्हारी खाला नहीं रही, अब वो एक अदद मोटे तोंद वाले कद्दू की शक्ल वाले खालू की प्रॉपर्टी बन चुकी हैं। मैंने कहा, अच्छा आगे बताओ। कहने लगी, वो मेरी खाला की सास की बेटी की नंद की देवर की फूफी की बेटी हैं। मैंने कहा, इतना लंबा रिश्ता? कहने लगा, इसी वजह से उसने ब्रिटनी स्पीयर को सिर्फ ऑनलाइन यूट्यूब पर ही देखा है। मैंने कहा, लख लानती, पहले क्यों नहीं बताया? ये सारी अमेरिकन लड़कियां मेरे साथ पता नहीं क्यों खेलती रहती है, मेरे जज्बात के साथ। और भी बड़ी, ये है सेप्टा ट्रेन का इंटीरियर यानी अंदर का व्यू। इस ट्रेन में अक्सर बल्कि इवनिंग टाइम में मैं अपनी बाइक को ना सिर्फ सेप्टा में बल्कि अमेरिका की हर ट्रेन में अपने साथ मैंने कैरी किया। ट्रेन में बाकायदा एक जगह बनी हुई होती है जहाँ पर आप अपनी बाइक को बांध सकते हैं और आराम से बाद में लड़कियां ताड़ सकते हैं। देखो ना, बाइक को संभालना, लड़कियों को संभालना, तो बाइक को एक साइड पर रखें और आराम से अपनी आंखों को ठंडा करें। व्यूअर्स, इस तस्वीर को देखकर ब्रिटनी स्पीयर की ये दूर पार की रिश्तेदार कहने लगी, अजहर, ग्लासेस के अंदर से ही तुम्हारी आंखें विजिबल हो रही हैं। मैंने कहा, वाह, कुर्बान जाऊं तुम्हारी इतनी गहरी ऑब्जर्वेशन पर, तुम्हें चश्मे के अंदर से मेरी आंखें नजर आ गई, पर इन आंखों में लिखी तहरीर नजर नहीं आई। इस तहरीर में तुम्हारे लिए सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत है। कहने लगी, सॉरी अजहर, तुम्हारी आंखों में जो तहरीर मेरे लिए लिखी है वो उर्दू में है, आई कांट रीड उर्दू। मैंने कहा, तेरी की, मैंने इस अमली की गोरी के कान मरोड़ कर कहा, वाकई में कान मरोड़ कर कहा, गूगल ट्रांसलेटर कब काम आएगा? कहने लगी, ओ अच्छा अजहर, चेक करती हूँ। वेल व्यूअर्स, ये हैं ग्लिम्सेस कुछ स्टेशंस की जो रास्ते में आते हैं मेरे घर से लेके फिलाडेल्फिया शहर तक, क्योंकि एक घंटे का वे होता है। ये देखिए, ये स्टेशन है मैरियन, थॉर्नडेल, मालवन एंड जेफरसन स्टेशन, और ये काफ़ी बड़ा स्टेशन था। और आखिर में है ये डार्लिंगटन स्टेशन, जहाँ पर रहते हैं मेरे भाई साहब और मेरे तीन क्यूट नेफ्यूज। ऐसे व्यूअर्स, मैं अपने नेफ्यू से इतना प्यार करता हूँ कि आस पड़ोस की गोरियाँ कहती हैं कि सीम लाइक दैट्स योर ओन सन, यानी मेरे अपने बच्चे लगते हैं, तुम अपने नेफ्यू से इतना प्यार करते हो।
विवर्स, प्यार हो तो ऐसा कि लोग कह उठे हैं वाह क्या चाचा भतीजों का प्यार है। और विवर्स ये आप देख रहे होंगे स्टेशन के ऊपर स्टेप बनाए गए हैं ताकि मुसाफिर हजरात आराम से स्टेप डाउन और स्टेप इन हो सके। वेल विवर्स, इतनी सेप्टा कहानी इसी तरह धीरे धीरे गाहे बगाहे आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहूँगा और आप लोगों की मालूमात में इजाफा करता रहूँगा। आपने रखिएगा बहुत सा ख्याल, ढेर सा ख्याल। यू टेक केयर एंड वेरी गुड, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।